सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर डेली एनालिसिस वीडियोज अपलोड करती हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियोज अपलोड कर देती हूँ, यहाँ तक कि शेयर मार्केट के रिलेटेड सारी अपडेट, सारी न्यूज आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर काम करना चाहते हो और डेली मिनिमम 2 से 3 हजार तक का रेगुलर इनकम करना चाहते हो तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज पर मंथ है। और आपको पेमेंट के लिए इस QR कोड को स्कैन करके या फिर इस UPI ID पे पेमेंट सेंड करना है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर के ऊपर भेज देना है तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और इस ग्रुप में आपको डेली कॉल्स तो मिलते हैं 3 to 4, यहां तक कि आपको लाइव मार्केट सपोर्ट भी मिल रहा है। साथ में आपको अगर कुछ भी क्वेरीज होंगी तो वो भी सॉल्व करके मिलेंगी। साथ में अगर आप कोई भी पोजीशन में फंस चुके होंगे तो वहां से आपको कैसे निकलना है इसके बारे में भी गाइड किया जाएगा। फिक्स स्टॉप लॉस एंड टारगेट दिया जाता है और साथ में आपको चार्ट भी प्रिपेयर करके दिया जाता है जो मैं खुद आपको बना के प्रोवाइड करती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स और कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स वहाँ पे मैं ऐड करके आपको देती हूँ ताकि आपको मार्केट को समझने में भी आसानी हो सके कि अगर एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है। तो ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज़ पर मंथ में मिल रहे हैं। तो आज ही प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप इस पब्लिक चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे मैं दिन का जो फर्स्ट ट्रेड है वो यहाँ पे मैं अपडेट कर देती हूँ एवरी डे। साथ में जो भी ट्रेड्स बाद में हम लोग लेते हैं ग्रुप के अंदर उसके भी स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। यहाँ तक कि मेंबर्स के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स भी मैंने यहाँ पे अपडेट किए हुए हैं। तो आपके नॉलेज के लिए ये सब है तो आप चेक कर सकते हो अगर कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो इस पब्लिक चैनल को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो अभी हम लोग चालू करते हैं हमारा आज का वीडियो बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग कहां पे आई है, 38,067 के पास निफ्टी बैंक आज बंद हुआ है। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्या बात की थी कि देखिए अगर यहां पे निफ्टी बैंक है तो इसका मतलब यहां पे 1 से 2 सेशन के लिए कंसोलिडेशन भी हो सकता है। और आज की अगर बात करें तो प्रॉपर इसी रेंज में हमें कैंडल बनते हुए दिख रही है, वो भी एक बेरिश कैंडल, क्योंकि ये देखिए ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अभी निफ्टी बैंक को मैंने कहा था 34,000 अगर होल्ड रखता है तो यहाँ से धीरे धीरे करके निफ्टी बैंक इस रेजिस्टेंस की तरफ पहुँचेगा। और निफ्टी बैंक ने हमें कुछ ही सेशंस में इतना बढ़िया मूव भी दिखाया है टूवर्ड्स 38,750 और अभी यहाँ पे 750-800 के पास निफ्टी बैंक के लिए एक बिग रेजिस्टेंस है जो पार करना इजीली थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 1 से 2 सेशन में निफ्टी बैंक ये भी पार कर सकता है अगर निफ्टी बैंक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 38,050 के ऊपर ही टिका रहता है तो आज की अगर बात करें तो आज की ओपनिंग बढ़िया थी, 38,731 के पास ही निफ्टी बैंक ओपन हुआ था। लेकिन वहां से जब निफ्टी बैंक
बैंक ने ट्राई किया अपसाइड के लिए 750 के ऊपर जाने के लिए, नहीं हो पाया और फिर हमें गिरावट देखने को मिली टुवर्ड्स 38,400 and 300। तो निफ्टी बैंक का जो आज का इंट्राडे हाई था वो 38,759 का था, और जब निफ्टी बैंक 38,300 और 400 के पास कंसोलिडेशन कर रहा था, वहां से फिर से निफ्टी बैंक ने ट्राई किया था लेकिन 38,600-550 तक ही जा पाया, क्योंकि फिर जो 38,500 का जो लेवल है वो निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस बन चुका था, क्योंकि निफ्टी बैंक ने 750 से हमें गिरावट दिखाई थी और 350 के सपोर्ट के पास पहुंचा था। तो सपोर्ट से निफ्टी बैंक ने फिर से ट्राई किया लेकिन बीच में फिर से 38,500-550 रेजिस्टेंस बन चुका था, और यहां से फिर से जो गिरावट देखने को मिली वो कहां तक मिली, 37,935 तक निफ्टी बैंक गिरा था, और डेज लो से रिकवरी करते हुए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर कैसे तैसे करके निफ्टी बैंक ने 38,000 का मार्क पार कर लिया। अभी 38,067 के पास बंद हुआ है। तो अभी यहां से आगे की बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए डाउनसाइड के लिए 38,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इससे नीचे कल ओपनिंग होती है या फिर इससे नीचे निफ्टी बैंक स्टेबल हो जाता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 37,650 and 700 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक ने लेवल को ब्रेक किया तो इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी बैंक नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, फिर 37,200 and 37,000 तक भी गिरने के चांसेस इस आने वाले एक्सपायरी तक बने हुए हैं निफ्टी बैंक के लिए। अपसाइड की बात करें तो जब तक 750 ब्रेक नहीं होता है अपसाइड की कोई बात नहीं करेगा। अगर अच्छी ओपनिंग होती है 38,350-400 के पास तो निफ्टी बैंक फिर से ट्राई कर सकता है 38,750 and 850 के ऊपर जाने के लिए, लेकिन फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होगा निफ्टी बैंक के लिए। ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर से क्या हाल है देख लेते हैं। तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 38,500 के ऊपर है और 39,000 के ऊपर है। कॉल राइटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग अभी हमें 38,500 के ऊपर दिख रही है। तो निफ्टी बैंक के लिए जैसे मैंने अभी चार्ट के ऊपर से आपको कहा था कि 500-550 अभी रेजिस्टेंस बन सकता है, तो ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर से भी सेम सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ऊपर आने की कोशिश करता है निफ्टी बैंक तो 38,500 के पास अटकने के चांसेस बने हुए हैं। सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 38,000 के ऊपर है और सेकेंड हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट 36,500 के ऊपर है। तो अगर निफ्टी बैंक 38,000 को ब्रेक करता है तो और इससे नीचे स्टेबल होता है या फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इससे नीचे जाता है तो 37,000 का टारगेट एक्टिव हो जाएगा डाउनसाइड के लिए। तो अभी चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग मिली है वो 17,957 के पास मिली है। 18,000 का लेवल निफ्टी ने भी तोड़ दिया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस जोन में पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बना हुआ है 17,950 के ऊपर, और अभी सपोर्ट के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी ने हमें दी है लेकिन डेली चार्ट के ऊपर एक बेरिश कैंडल निफ्टी ने यहाँ पे हमें फॉर्म करते हुए दिख रही है। तो अभी यहां से आगे की बात करें तो देखिए अगर फिर से ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो डाउनसाइड के लिए 17,700 and 17,800 यहां तक निफ्टी हमें गिरने के चांसेस बने हुए हैं। अगर इस सपोर्ट से भी नीचे गिरता है तो यहां से निफ्टी हमें 17,500 and 400 तक भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड रखता है या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 17,980 के ऊपर की ओपनिंग करता है तो यहां से फिर से 18,100 and 18,200 के चांसेस निफ्टी के बने हुए हैं। तो अभी अगर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी 50 के लिए 17,920 का लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है या फिर इस लेवल से नीचे फिसल जाता है ओपनिंग करता है तो यहां से 17,850 and 17,810 के डाउनसाइड के टारगेट्स एक्टिव हो जाएंगे। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए 18,000 का
इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ने पार कर लिया तो यहाँ से निफ्टी हमें 18100 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। तो जो भी लेवल्स बताए हैं अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूज़फुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड carefully।